पॉथोस यानी मनी प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत सा हाउस प्लांट है। इस पौधे का खूबसूरती और इसका हार्डीनेस यानी बहुत ही कम केयर में इस पौधे का ग्रो होना इसको मोस्ट पॉपुलर हाउस प्लांट बनाता है। ये पौधा पूरे साल बहुत ही कम केयर में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है, लेकिन विंटर सीजन में इस पौधे का ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाता है। इस समय आपको अपने पौधे में कुछ खास केयर करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे मनी प्लांट का विंटर केयर के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे साल मनी प्लांट का कोई खास केयर करना नहीं होता। आप बस इसके पुराने और सूखे पत्ते को कुछ इस तरीके से रिमूव कीजिए और चाहे तो हर महीने एक बार इसे फर्टिलाइजर दे दीजिए। लेकिन विंटर सीजन में इन सभी केयर्स के अलावा कुछ और खास केयर करना होता है, नहीं तो आपका मनी प्लांट का पौधा विंटर में खराब हो भी सकता है। मनी प्लांट का पहला विंटर केयर है, आप अपने पौधे के मिट्टी में पानी देना बहुत ही कम कर दीजिए। जब आप देखें मिट्टी ऊपर से ड्राई हो गया है तभी आप आपके पौधे में पानी दीजिए। मनी प्लांट के पौधे में विंटर में बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होता है, इसीलिए आपको जब दिखे मिट्टी ऊपर से पूरा सूख गया है तभी आप आपके पौधे में पानी दीजिए। मेरे इस पौधे का मिट्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी ये पूरी तरीके से गीला है। यहाँ पर आप देखिए अभी मैं अपने पौधे में पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जब इसका मिट्टी सूख जाएगा तभी मैं इसमें पानी दूंगा। दूसरी तरफ आप यहाँ पर मेरे इस मनी प्लांट के पौधे को देखिए। इस पौधे को मैंने एक हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया है। इस पौधे का मिट्टी अब लगभग पूरी तरीके से सूख चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं सूखा यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इस स्टेज में आपके पौधे में पानी दे सकते हैं, या फिर अगर आप और भी सिक्योर रहना चाहते हैं तो जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए यानी ऊपर से आपको व्हाइट व्हाइट सा मिट्टी नज़र आए तभी आप आपके पौधे में भरपूर पानी दीजिए। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए मैं पानी दे के आपको दिखाता हूँ। आप कुछ इस तरीके से पानी दीजिए कि पॉट के नीचे से पानी कुछ इस तरीके से निकलना चाहिए। फिर से जब आपके पौधे का मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाएगा तभी आप आपके पौधे में फिर से वाटरिंग करेंगे। अगर आप आपके पौधे में इस तरीके से पानी देंगे तो पानी की वजह से आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। मिट्टी में पानी देने के अलावा आप अपने पौधे में पानी का शावर जरूर कीजिए। मनी प्लांट को पानी का शावर बहुत ही अच्छा लगता है और इससे एरियल रूट्स को पानी मिलता है, और जब एरियल रूट्स को पानी मिलता है तब मनी प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए आप हफ्ते में कम से कम दो बार अपने पौधे में पानी का शावर जरूर कीजिए। अगर आपने मनी प्लांट पानी के अंदर ग्रो किया है तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं। आप बस हर 3 से 4 दिन में पुराना पानी फेंक के नया पानी आपके पॉट में दे दीजिए, और इसके साथ साथ 2 से 3 दिन पानी का शावर जरूर कीजिए। केयर टिप 2, अब अपने मनी प्लांट के पौधे को विंटर के टाइम कभी भी खुले आसमान के नीचे ना रखें, क्योंकि विंटर में रात के टाइम जो कोहरा पड़ता है वो मनी प्लांट के पौधे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए आप अपने पौधे को किसी शेडी जगह पर यानी किसी शेड के नीचे रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई शेड नहीं है तो आप अपने पौधे को किसी बड़े पौधे के नीचे रख सकते हैं, इससे भी थोड़ा बहुत सेफ हो जाएगा। केयर टिप नंबर 3 यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर टिप, विंटर के टाइम अब अपने मनी प्लांट के पौधे को कभी भी फर्टिलाइजर ना दे, क्योंकि फर्टिलाइजर से आपका मनी प्लांट खराब हो सकता है। विंटर खत्म होने के बाद ही आप अपने पौधे में फर्टिलाइजर देंगे। कोई भी फर्टिलाइजर आप विंटर में आपके पौधे में बिल्कुल भी नहीं देंगे।
यही था आज का वीडियो मनी प्लांट का विंटर केयर के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।